करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपनी सेवा के बदले सरकार से डबल वेतन लेने से इनकार करके एक बार फिर देश में पहल की है। निर्णय लेने के बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर सरकार को लिखित में अपना निर्णय पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों को सरकार ने डबल वेतन देने का ऐलान किया था, लेकिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपनी सेवा के बदले सरकार से डबल वेतन लेने से इनकार करके एक बार फिर देश में पहल की है। वहीं करनाल के करण नगरी नाम को भी साकार किया है। मुख्यमंत्री हरियाणा को लिखे पत्र में डॉक्टरों ने कहा है कि डॉक्टरों को डबल वेतन देने के बजाय इस धनराशि को कोरोना से जंग के लिए मेडिकल उपकरण खरीदने में लगाया जाना चाहिए। अकेले कल्पना चावला के डॉक्टरों का अतिरिक्त वेतन करीब 50 लाख रुपए प्रति माह बनता है। देश में करनाल से कोरोना के खिलाफ जंग में फिर एक दानवीरता की पहल की गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि सरकार ने कुछ समय पहले कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को डबल वेतन देने का ऐलान किया था। इस पर कॉलेज के सभी डॉक्टरों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अतिरिक्त वेतन नहीं लेंगे। इस वेतन से मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी उपकरण खरीदे जाएं, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत किया जा सके। सभी डॉक्टर नियमित वेतन में ही पूरी सेवाएं देते रहेंगे। जब तक कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म नहीं होता, तब तक ना तो हम थकेंगे और ना ही रुकेंगे। हम फ्रंट लाइन में रहकर काम करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो बिना वेतन के भी काम करेंगे। निर्णय लेने के बाद कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर सरकार को लिखित में अपना निर्णय पत्र मुख्यमंत्री को भेज दिया है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने हस्ताक्षर करके सीएम को पत्र भेजा है, जिसमें कहा है कि हमें दुगना वेतन ना देकर उस धन से मेडिकल कॉलेज के लिए आईसीयू के लिए जरूरी उपकरण खरीदे जाए, ताकि मरीजों का इलाज और बेहतर तरीके से हो सके। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स ने ये मिलकर ये डिसाइड किया कि जो उनको सेकेंड बेसिक सैलरी सरकार ने ऑफर करी है कोविड मरीजों की सेवा के लिए, उनका मानना है कि ये वो नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपने ये स्वेच्छा से ये कहा है कि वो नहीं लेना चाहते, और ये जो अमाउंट जो कलेक्ट होगी उनको वो ये चाहते हैं कि कोविड मरीजों की सेवा में लगा दिया जाए, उनके लिए नए नए उपकरण खरीद लिए जाएं और दवाइयां मंगवा ली जाएं। तो कितने डॉक्टर हैं ऐसे जिन्होंने? ये लगभग 30 डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये कंसेंट दी है। कितना अमाउंट होगा डॉक्टर? ये लगभग 50 लाख के आसपास पर मंथ कलेक्ट होने की संभावना है। अगर पूरे दिन अभी और भी बढ़ सकते हैं? हाँ, और भी बढ़ सकते हैं। अगर और भी कोई डॉक्टर या स्टाफ या कोई भी अगर अपनी स्वेच्छा से ये करना चाहता है तो हम लोग तैयार हैं। हम लोग उनके जो भी होगी सीएम साहब को उसके इन्फॉर्मेशन दे देंगे और उनकी अमाउंट जो है भिजवा देंगे। तो आपने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है इसके प्रति? हाँ जी, हमने थ्रू प्रॉपर चैनल लिखा है। जो एड्रेस किया हुआ है वो सीएम साहब को किया हुआ है, लेकिन हमारी थ्रू जो अथॉरिटीज़ हैं डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनके थ्रू ही जाएगी ये लेटर। डॉक्टर साहब, की एक अच्छी पहल है, पहली दफ़ा पूरे इंडिया में अगर बात की जाए तो दूसरे देशों से भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी डॉक्टरों की तरफ से, एक अच्छी पहल है करणवीर की नगरी से। ये हमारे कल्पना चावला के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो जो कोविड मरीजों की सेवा है वो करते ही रहेंगे, वो पैसों के लिए ये सेवा नहीं कर रहे, उनके मन में लालच नहीं है डबल वेतन का कोई। हाँ, उनकी डबल जो वेतन लेने की कोई इच्छा नहीं है उनकी, लेकिन वो सेवा भाव से मरीजों की सेवा करना चाहते हैं और वो करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर और भी टाइम उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी स्वेच्छा से वो और भी टाइम देंगे, उसमें पैसे की या कोई डबल सैलरी की उनमें के मन में कोई भी इच्छा नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.